अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, व्लॉग नंबर 54। और आज है 22 फरवरी और आज अभी ये टाइम हो गया है तकरीबन 8:45 और मैं जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि आज हमारी एक ट्रेनिंग है ELMS पे। तो अभी ऑफिस चलते हैं और आपसे ऑफिस में मुलाकात होती है। सो बाहर का मौसम जो है वो अभी थोड़ी बहुत धूप निकल आई है। सुबह के वक्त जब मैं निकला था ऑफिस के लिए तो उस टाइम पे जो है वो बादल हुए हुए थे। तो ऐसा है कि मेरा जो डेस्कटॉप है उस पे मैंने एडिशनल हार्ड ड्राइव लगानी है, क्योंकि जो प्रीवियस हार्ड ड्राइव है वो थोड़ा सा उस पे मुझे स्पेस का इशू आ रहा है। तो उसके लिए जो है वो मैंने एक कैडी ली है, इसको कहते हैं HDD कैडी, सेकेंड HDD कैडी। तो ये DVD ड्राइव के जो है वो निकल जाएगी, DVD ड्राइव, और उसकी जगह ये लग जाएगी। तो एक आज की वीडियो में ये होगा और दूसरा ये जो है वो ब्लूटूथ स्पीकर है, इसका रिव्यू करेंगे। ये मिला है तो देखते हैं कि ये क्या ब्लूटूथ जो है वो कितना ज़बरदस्त इसका काम करता है। तो ये दो चीज़ें आज की वीडियो में है। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे घर पे मुलाकात होती है और हार्ड ड्राइव अपग्रेड करते हैं। तो इस टाइम पे हम जो है वो अभी क्या 4:15 हो रहे हैं, असर हो गई है। अभी हम जो है वो ज़रा बाहर राउंड लगाने जा रहे हैं और साथ में जो है वो आइसक्रीम का देखेंगे, आइसक्रीम खाएंगे थे हम ही वेट, और साथ में डिवॉटसन भी जाना है तो आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो जो है वो खैर ये ट्यूटोरियल भी कह लें इसको, ये मेरे पास स्पेयर जो है वो 250 GB की हार्ड ड्राइव पड़ी हुई थी। ये कैडी है, ठीक है। अगर आपने अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में, ये ऑब्वियसली ये डेस्कटॉप के लिए है लेकिन सेम गोज फॉर द लैपटॉप, अगर आपने लैपटॉप में CD ड्राइव को रिमूव करके आपने एक और हार्ड ड्राइव लगानी है तो ये कैडी यूज होती है, ठीक है। ये इसके पीछे इसने जो है वो इसका प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरह करना है। अच्छा, अब ये कैडी जो है इसकी प्राइस जो है वो वेरी करती है एट वेरियस प्लेसेस। दराज से आप लेंगे तो ये अराउंड अबाउट 400 to 600 के दरमियान होगी, अगर आप ब्लू एरिया से लेंगे तो ये 600 to 1000 के अंदर होगी, डिपेंडिंग ऑन के आप कौन सा ले रहे हैं। अच्छा, इसमें भी दो तीन डिफरेंट साइजेस आते हैं, कुछ आई थिंक कोई जो है वो 2.5 इंच के लिए आता है और कोई जो है वो किसी और के लिए आता है, ठीक है। तो जब आप कैडी रिमूव करेंगे तो उसके साथ आपके पास स्क्रू होंगे, एक छोटा सा पेचकस होगा और ये आपकी कैडी होगी, ठीक है। अब आपने अपनी हार्ड ड्राइव को रिमूव करना है जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अब ये जो है ये मेरे पास फ्रेश वो है हार्ड ड्राइव। अच्छा, पुरानी जो हार्ड ड्राइव्स होती थी उसमें वो होता था स्लेव और मास्टर का चक्कर होता था, लेकिन ये जो नई हार्ड ड्राइव है साटा की, आई थिंक ये साटा ही है, उसमें नहीं है। अच्छा, अब आपने इंस्टॉल करने के लिए पहले आप कैडी में अपनी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करेंगे, फिर हम अभी रिमूव करते हैं सिस्टम और उसमें देखते हैं कि उसमें किस तरह लगेगी। तो ये इसका कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से ये आपका जो पावर और वो दूसरा कनेक्टर है ये आपके उसके लिए। तो इसमें बेसिकली आपने इसको स्लाइड करना है, स्लाइड करके तो आपने इसको ये इन प्लेस आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको टर्न करना है और ये आपके पास स्क्रूज गिवन है। अब ये देख सकते हैं आप कि मैंने स्क्रू लगा लिए हैं। अब मैंने एक स्क्रू घुमा दिया था तो एक स्क्रू मैं भी ढूंढूंगा तो इसको लगा लेता हूं, लेकिन ये 4 स्क्रू जो हैं वो यहां पे लग गए हैं। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं डेस्कटॉप के अंदर।
इसका फ्रंट पैनल उतर गया। अब इसका जो है वो हमने बेसिकली क्या करना है, बेसिकली ये जो चीज़ है ना ये उतारनी है। तो ओ अच्छा, यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव लगी है, इसको से उतार लिया। ये अब ये चीज़ जो है ना, हमने ये चीज़ निकालनी है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए हमें जो है लगता है इसकी हार्ड ड्राइव को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। इसका बेसिकली ये फ्रेम है, लगाएंगे।
अच्छा जी ये अब जो है वो कैडी में फिट हो गई है, ठीक है। अब हम अपने यूनिट में आते हैं। अभी यहाँ पे बेसिकली ये जो है पावर और उसकी वजह है ये हो गया। अब जो है वो ये यहाँ पे इसकी वो अभी मुझे इसको क्या करना चाहिए था, इसको पहले लगा के ये हो गया। कंट्रोल करना है कि आपने जो है वो बिजली जो है वो बंद की हो, ठीक है। तो अब ये जो है वो मैंने इसको सील कर दिया है। अब इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है वो हार्ड ड्राइव जो है वो क्या हिसाब किताब है। अच्छा जी ये विंडोज आ चुकी है और इसको अब हम लॉगिन करते हैं। ओके ये अब जो है वो मेरा वो आ चुका है डेस्कटॉप। तो लेट अस सी यहाँ पे पीसी में जाते हैं
और ये देखेंगे ये सक्सेसफुली जो है वो 250 GB की जो हार्ड ड्राइव है वो इंस्टॉल मैंने कर ली है। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। और ये पार्टीशन नहीं हुई हुई, ये वन है, ठीक है, और ये जो है वो इंस्टॉल हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा ट्यूटोरियल जो है वो आपको पसंद आया होगा। ये मोर लेस अगर आप जब लैपटॉप करते हैं तो लैपटॉप में भी यही इसी तरह ही इंस्टॉल होती है, डेस्कटॉप में भी इसी तरह होती है, और मतलब ये जो मेरा छोटा मिनी डेस्कटॉप है इसमें भी इसी तरह होती है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।